भाई बहन के अनंत प्रेम, स्नेह, विश्वास एवं रक्षा के संकल्प को समर्पित त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य, ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह बदोना, सागर, मध्य प्रदेश। सागर में कोरोना की रफ्तार तेज है। लगातार पॉजिटिवों के मामले भी निकल कर सामने आ रहे हैं। आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। शासन प्रशासन लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही करते हुए मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसी को लेकर सागर में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत नगर निगम और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और मास्क ना लगाने वाले लोगों पर चालान काटे। साथ ही उन्हें समझाइश दी गई है कि जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी नवल आर्य ने जानकारी दी। जैसा कि आपको विदित है, शासन के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। इस अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन सम्मिलित रूप से कार्रवाई कर रहा है और बेसिकली ये जन जागरूकता अभियान है। कोरोना COVID-19 से बचाव हेतु मास्क अति अनिवार्य है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, नगर पालिका निगम की ओर से उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है पुलिस के सहयोग से। ये अभियान 1 तारीख से लेकर 14 अगस्त तक जारी रहेगा। धन्यवाद। हेमंत नामदेव, सागर टीवी न्यूज। भाई बहन के अनंत प्रेम, स्नेह, विश्वास एवं रक्षा के संकल्प को समर्पित त्योहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य, ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह बदोना, सागर, मध्य प्रदेश।